नजर करो अम्मोर सारी। अल्लाह मालिक। ओम साई नाथाय नमः। साईं बाबा के चमत्कारों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि उसे लिखने के लिए दुनिया का सारा कागज कम पड़ जाएगा। शिरडी साईं बाबा संस्थान शिरडी के मुताबिक लगभग 50,000 भक्त साईं बाबा के दर्शन करने आते हैं। ऐसे ही एक साईं भक्त थी रचना, जिनकी शादी मनु के साथ हुई थी। सुहागरात की रात सुहाग सेज पे बैठी रचना अपने पति मनु का इंतजार कर रही थी। बहुत हो गई है लेकिन मालकिन बुला रही। माँ ने बुलाया? कहाँ है माँ? अपने कमरे में। कृष्णा, हे मुरली वाले, ये तूने मेरे साथ क्या किया? कैसे धूर्त और बेईमान लोगों से मेरे लड़के का रिश्ता कर दिया? मेरे कितने अरमान थे लेकिन तूने सारे मिट्टी में मिला दिए। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? माँ, क्या हुआ? माँ, किसने तेरे अरमानों को मिट्टी में मिला दिया? कुछ मत पूछ बेटा, हमारे साथ चीटिंग हुई है। इन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करके हमें बेवकूफ बना दिया। माँ, तू किसकी बात कर रही है? मैं कुछ समझा नहीं। अभी सब समझ में आ जाएगा तेरी बेटा। ये देख रहा है, ये खाली डिब्बा, इन लोगों ने हमें खाली डिब्बे दिए हैं पैकिंग करके, उनमें कुछ सामान था ही नहीं। ये देख, कितने बड़े बड़े वायदे किए थे इन्होंने और उसका एक चौथाई भी नहीं दिया हमें। नहीं नहीं बेटा, आज की रात तुम छोटी छोटी बातों को लेकर मन खराब मत कर। मैंने तुझे ये बताने के लिए थोड़ी बुलाया था, मैंने तो तुझे कुछ समझाने के लिए बुलाया था बेटा। देख, रचना के पास जाने से पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। आज तेरी सुहाग रात है ना बेटा, और ये रात हर इंसान की जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आज की रात दो प्यार करने वाले दिल एक हो जाते हैं, बल्कि इसलिए कि इस रात पर उन दोनों का फ्यूचर डिपेंड करता है। मतलब ये कि आज की रात अगर पत्नी ने पति को डोमिनेट कर दिया तो सारी जिंदगी पत्नी ही पति पर हावी रहती है, और अगर पति ने पत्नी को डोमिनेट कर दिया। समझ गया माँ, अच्छी तरह समझ गया। अब तू बिल्कुल फिक्र मत कर। तू सोच सकती है कि तेरे बेटे को कोई डोमिनेट कर सकता है? इम्पॉसिबल माँ, इम्पॉसिबल। तू देखती जा बस, तू फिक्र मत कर। जा बेटा। ए, इस तरह टकटकी लगा के क्या देख रही है? तुझे क्या लगता है
कि मैं सारी रात बोतल से ही मुंह लगा लगा के पीता रहूंगा। जा मेरे लिए ग्लास लेके और एक पैक बना। जा। ए, सुना नहीं तूने? चल जा मेरे लिए ग्लास ला और पैक बना। मुझे पैक बनाना नहीं आता। क्या तुझे पैक बनाना नहीं आता? हाँ। जैसा बाप वैसी बेटी। हरे कृष्णा, कितनी पूजा करती है ये भाई। बहू नहीं पुजारिन ले आई हूं। अरे शंभू, ऊपर ही हो तो उससे कहो मेरे घर को मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। मिसेस रामेश्वरी देवी जी, आपका कुरियर है। अच्छा, कुरियर। कन्हैया, ये कैसा खेल खिला रहे हो? अरे ये लेटर 15 दिन पहले नहीं भिजवा सकते थे? क्यों हमें अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसा रहे हो? क्या बात है माँ, किसकी चिट्ठी है? लेटर नहीं, हमारे दुर्भाग्य का चिट्ठा आया है। मैं कुछ समझा नहीं माँ। याद है हम दिल्ली गए थे मिस्टर वर्मा की लड़की देखने, और तुझे लड़की पसंद भी आई थी? अच्छी तरह याद है माँ। तब तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और अब ये लेटर भेजा है कि उन्हें रिश्ता मंजूर है और वो शादी में 50 लाख खर्च करने को तैयार है। किन कंगालों के साथ पड़ गए। हे माँ, तू परेशान क्यों होती है? देख, अगर रचना का बाप पूरे 50 लाख रुपए दे देता है तो ठीक है, और अगर नहीं देता है तो वो अपनी बेटी को यहां से ले जाएगा। सिंपल। क्यों माँ? रहने दो, मैं देख लूंगी, तुम जाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा समधन जी, मैं हरिओम बोल रहा हूँ। देखिए, इस वक्त मैं आपकी बात आपकी बेटी रचना से नहीं करवा पाऊंगी। अरे उसे पूजा पाठ से फुर्सत मिले तब तो किसी से बात करेगी। समधन जी, इस वक्त मैंने आपसे बात करने के लिए ही फोन किया है। कहिए। बात दरअसल ये है कि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि शादी के 4-5 दिन बाद बेटी विदाई करके अपने घर आती है। अगर आपकी आज्ञा हो तो। देखिए, आपके घर के रीति रिवाजों को मानने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे आप इस बात की आज्ञा अगर मेरे बेटे से लें तो बेहतर होगा। hey, माँ, तुम फिक्र मत करो, उस कंगाल को तो मैं ऐसा जवाब दूंगा कि अगली बार वो फोन करने से पहले 10 बार सोचेगा। hey, माँ, शायद उसी का फोन है, मैं तुमको बाद में फोन करता हूँ। हेलो। हेलो दमाजी, मैं पापा बोल रहा हूँ। अरे हाँ, मुझे मालूम है आप बोल रहे हैं, इतनी भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है। कट टू कट में बोलिए, क्या काम है? वो मेरी समधन जी से बात हुई थी। पापा जी, जब आपकी माँ से बात हो चुकी है और वो आपसे बोल चुकी है कि हमें आपके रीति रिवाजों को मानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। सिमरन। और हाँ, हेलो, एक बात और, फिलहाल तो विदा का सवाल ही नहीं उठता। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक रचना आपके पास नहीं पहुंच पाएगी। और ये बार बार मुझे फोन करके आप पकाइए मत, ओके? रखिए फोन। सिमरन।
अरे बहू रानी, पूजा नहीं की? नहीं काका, जिस काम से किसी को तकलीफ पहुंचे वो मैं नहीं करना चाहती। लो, मनु बाबा को अपने हाथों से चाय नाश्ता देकर आओ। नहीं काका, वो मेरे हाथ की चाय नहीं लेंगे। अरे बहू रानी, इतनी जल्दी निराश नहीं होते हैं। लो लो लो, काका की बात मानो, सब ठीक हो जाए। मां, शंभू काका अब तक नाश्ता नहीं लेके आए। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बेटा, पहले कहते, मैं अपने हाथों से नाश्ता बना के ले आती। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करना, अपने हाथों से खाना बनाकर ऑफिस भिजवा देना शंभू काका के हाथों। जा रहा हूं मैं। देखा, वो भूखा प्यासा ऑफिस चला गया ना। देख, पिछले मैच में मेरा 30 लाख रुपया टूट चुका है। हाँ, मानेगा नहीं। हाँ, तू ठीक है, एक काम कर, अंडर 15 ढाई देता हूं, बस फुल एंड फाइनल। हाँ, इससे ज्यादा मैं एक पैसा नहीं दे सकता। हाँ हाँ, ओके ओके, चल ठीक है ठीक है, चल ओके। हाँ मनु बाबा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहिए। आज सुबह से बहू रानी ने मुंह में पानी भी नहीं डाला। तो काका, मैं क्या करूं? देखो मनु बाबा, मैंने तुम्हें इन्हीं हाथों में पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन बहू रानी के साथ तुम्हारा व्यवहार देखकर मुझे बहुत दुख होता है। काका, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं? एक्चुअली हम लोग आपको इज्जत देने के लिए काका बुलाते हैं। आप हमारे काका नहीं हैं, आप तो हमारे नौकर हैं। और एक नौकर को यह तहजीब होनी चाहिए कि वो किस तरह अपने मालिक से बात करे। आज तक आपको पता था, और आगे भी ध्यान रखिएगा। अब आप यहां से जा सकते हैं। Please get out. Out! Hi, Simran darling. How sweet. एकदम वक्त पे आई हो। खाना खा लो बहू रानी। नहीं काका, खाना नहीं खाऊंगी। जिसकी वजह से तुम भूखी रह रही हो वो जो है, मैं जानती हूं। पहले इंसान को नहीं पहचानती थी, लेकिन अब बहुत कुछ पहचानने लग गई। जब पहचान ही गई हो तो अपने आप से दुश्मनी क्यों कर रही हो? सुबह से तुमने पानी तक नहीं पिया है। मेरी फिक्र ना करें काका, मुझे अब इस सबकी आदत डालनी पड़ेगी। बस मुझे अकेला छोड़ दे। खाना ले जाए काका। हेलो। हेलो पापा, कैसे हैं आप? आपको इतने दिन अपनी बेटी की याद भी नहीं आई। हाँ बेटा, बस मैं तुम्हें फोन कर ही नहीं पाया। तुम कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ। लगता ही नहीं कि ससुराल में हूँ। ये लोग मेरा बहुत ख्याल रखते। तुम सच कह रही हो ना बेटा? पापा, आपने अपनी बेटी को झूठ बोलना थोड़ी सिखाया, लेकिन आपकी
याद आती है पापा, आप सबसे मिलने को बहुत दिल करता है। वो आजकल मनु बहुत बिजी है ना, शादी की वजह से सब काम पेंडिंग रह गया, इसलिए ऑफिस से बहुत लेट आते। एक दो दिन में आपसे मिलने जरूर आऊंगी पापा, आप मेरी चिंता मत करिए पापा। मुझको यारो माफ करना। मैं ये सब क्या मनो? अरे तुम जाग रही हो अभी तक? जागो जागो, जागना वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। देखो मैं भी जाग रहा हूं अभी तक। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुमने मुझसे नफरत करने के लिए मुझसे शादी की? अरे नहीं, मैंने तो तुमसे प्यार करने के लिए शादी की थी, वो भी ढेर सारा। लेकिन क्या करूं, तुम्हारे पापा ने ना बीच में भांजी मार के शादी का सारा मजाक किरकिरा कर दिया। अब तो मुझे भी अफसोस होता है कि मैंने तुमसे शादी की ही क्यों। मेरे पापा को ब्लेम मत करो। अरे तो फिर किस पर ब्लेम लगाओ? शादी से पहले उन्होंने क्या क्या देने का वादा किया था और दिया? ठेंगा, चीटिंग की उन्होंने मेरे साथ। और ये सब होने के बाद तुम ये सोचती हो कि मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करूंगा? मैं तुम्हें प्यार कैसे कर सकता हूँ? मेरे पापा ने जो वादा किया वो सबका सब दिया है। मनु, तेरी शादी में जो सामान आया है ना, वो खूबसूरत रैपिंग में लिपटे डब्बों के अलावा और कुछ नहीं है। सामान के नाम पर उनमें कुछ है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? झूठ तो मैं भी नहीं कह रही माँ। मनु, बस यही सुनना बाकी रह गया था। तेरी बीवी ने मुझे ये भी सुना दिया, मैं चोर हूँ, झूठी हूँ। अरे कृष्णा, अरे कृष्णा। आपका परिवार, पड़ोस पड़ोस या ऐसे किसी भी साईं भक्त के साथ बाबा की कृपा हुई हो तो हमें तुरंत लिख दीजिएगा, हम उस कृपा को इस धारावाहिक में शूट करके आपको प्रस्तुत करेंगे। हमारा पता है शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन, पोस्ट बॉक्स नंबर 17517, मोतीलाल नगर नंबर 1, गोरेगांव पश्चिम, मुंबई 400104। विजिट टू ज्वाइन अस www.shirdisaibabafoundation.com। बंदा तुम्हारा, बंदा तुम्हारा, मैं ना जानूं अल्लाह इलाही, अल्लाह इलाही।